बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद यूनिस और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जानवरों के गोबर के सकोर के हवाले से। ये जो जानवर आमतौर पर गोबर मार रहे होते हैं, इनका बाकायदा एक सकोर होता है। वो सकोर हम जो देते हैं वो उनकी जहरी जो है शक्ल सूरत और उनकी ऊँचाई और एक दो और करेक्टर हैं उनकी बेस पर हम देते हैं ये उनको सकोर। और ये स्कोरिंग बेसिकली इसलिए करते हैं कि ये जो स्कोरिंग है ये इस चीज़ की इंडिकेशन है कि जो आप जानवर को खुराक दे रहे हैं वो उसमें किसी किस्म की कोई प्रोटीन की कमी तो नहीं, उसमें कोई एनर्जी की कोई कमी तो नहीं, या उसमें कोई फाइबर कम है या ज़्यादा है। और इसी गोबर को देख के आप अपने न्यूट्रिशनिस्ट से या अपने डॉक्टर से डिस्कस करते हैं कि जो फलाने ग्रुप में एनिमल खड़ा है उसकी जो गोबर है वो इस स्कोर में है, तो क्या वो ठीक है या उसमें कोई इशू है। तो जानवरों के ये स्कोर हैं, ये बेसिकली 5 स्कोर होते हैं गोबर के। स्कोर 1, स्कोर 2, स्कोर 3, 4 एंड 5। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करते हैं वो है स्कोर 1। स्कोर 1 जो है बिल्कुल पतला गोबर होता है कि जिस तरह जानवर एक डायरिया कर रहा होता है। और जब जानवर इस तरह का गोबर करेगा तो बाकायदा एक आर्क, एक कर्व की सूरत में जमीन पर गिरेगा। जो दूसरा गोबर होता है किसी भी कैटेगरी का, वो जब जानवर जैसे कर रहा होता है वो डायरेक्ट सीधा जमीन पे गिर रहा होता है। लेकिन जो स्कोर 1 वाला गोबर होता है वो बकायदा एक कर्व की शक्ल में जमीन पे गिरेगा। और जो जानवर इस तरह का गोबर कर रहा होगा, समझ लें कि उसमें या तो जो है प्रोटीन ज्यादा जा रही है या स्टार्च ज्यादा जा रही है या जो फाइबर है वो आप उसको कम दे रहे हैं। ये जो बीमार जानवर होते हैं जो अंडर मेडिकेशन चल रहे होते हैं, तो उनका जो गोबर है वो आमतौर पे स्कोर 1 की कैटेगरी में आता है। तो ये अभी एक गोबर पड़ा है, मैं आपको दिखाता हूँ जो स्कोर 1 का होता है, ताकि आपको आइडिया हो जाए जब आप शेड में जाके देखेंगे जो स्कोर 1 का गोबर है वो कैसा होता है। ये जो आप देख रहे हैं गोबर, ये है स्कोर 1 का गोबर। ये देखें बिल्कुल डेयरी की तरह का पतला है। और इस तरह का जब गोबर जमीन पे गिरेगा तो बकायदा जानवर से मतलब एक आर्क की सूरत में जमीन पे गिरेगा। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं जानवर के गोबर का स्कोर नंबर 2। जो स्कोर नंबर 2 का गोबर होता है वो डायरिया से थोड़ा सा गाढ़ा होता है, और जब ये जमीन पे गिरेगा तो जमा नहीं होगा, ये भी फैल जाएगा। और अगर इसकी ऊंचाई की बात की जाए, अगर इसकी जो है हम ऊंचाई चेक करें तो वो 1 इंच से कम होगी। और इस तरह का जो गोबर है वो जानवर करता है जिसको या तो आप ज्यादा हरा पठा डाल रहे हो, या जो जानवर ताजा सुआ होता है वो जानवर जो है वो इस तरह का गोबर करता है। तो ये एक गोबर है, मैं आपको दिखाता हूँ कि जो स्कोर नंबर 2 है उस वो देखने में किस तरह नजर आता है। तो ये जो गोबर आप देख रहे हैं ये स्कोर नंबर 2 की कैटेगरी में जो है ये फॉल करता है। इस तरह का जो गोबर होगा शेड में तो वो स्कोर नंबर 2 में होगा। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं गोबर का स्कोर नंबर 3 कि स्कोर नंबर 3 जो है वो देखने में कैसा होगा। जो स्कोर नंबर 3 है ये देखने में दलिया की तरह का होता है। इसकी जो ऊंचाई होती है वो 1.5 इंच से लेके 2 इंच की ऊंचाई होती है। और इसको अगर गौर से देखें तो इसके ऊपर जो है वो रिंग्स नजर आते हैं, और इसके दरमियान में जो है एक डिप्रेशन या डिम्पल होगा। और इस किस्म का जो गोबर है जब वो जानवर कर रहा होगा तो जब गोबर गिरेगा तो स्पेशल किस्म की एक साउंड आएगी जिसको प्लोपिंग कहते हैं। ये अच्छी क्वालिटी का गोबर होता है जो स्कोर नंबर 3 होता है। इस तरह के जानवर में किसी किस्म की गिजाई कमी, जिस तरह के फाइबर की कमी हो गई या एनर्जी की कमी हो गई, तो इस तरह का कुछ भी नहीं होता। इसी तरह ये आप देख सकते हैं ये एक गोबर रखा हुआ है, ये जो है ये स्कोर नंबर 3 है। इसकी अगर आप ऊंचाई चेक करेंगे तो 1.5 से 2 इंच के दरमियान, और दरमियान में आप देख सकते हैं कि ये एक डिम्पल भी बना हुआ, डिम्पल या डिप्रेशन भी इसके अंदर मौजूद है। तो ये जो है ये स्कोर नंबर 3 है जो कि अच्छी क्वालिटी का होता है। अगर जो मिल्किंग हाई प्रोड्यूसर एनिमल होते हैं उनकी बात करें तो 70% एनिमल का जो गोबर है वो स्कोर 3 की कैटेगरी में फॉल करेगा, और
जो मीडियम यील्डर होते हैं उनमें अगर आप बात करें तो 90% जो एनिमल हैं उनका गोबर जो है वो स्कोर 3 की कैटेगरी में फॉल करेगा। अब हम डिस्कस करते हैं जानवर के गोबर का स्कोर नंबर 4। जो स्कोर नंबर 4 का गोबर होता है वो थोड़ा सख्त होता है, और अगर आप उसकी ऊंचाई की बात करें तो वो 2 इंच से ज़्यादा जो है उसकी ऊंचाई होगी। और इसके अलावा जो ड्राई एनिमल है जब वो गोबर कर रहे होते हैं तो वो आम तौर पे उसकी जो कैटेगरी है वो स्कोर नंबर 4 में आती है। इस तरह के जो एनिमल होते हैं जिनका गोबर का स्कोर नंबर 4 होता है उसमें जो है रूमिनल डिग्रेडेबल प्रोटीन जो है वो कम होती है उनकी खुराक में, और इसके अलावा जो स्टार्च का पोर्शन है वो भी उनकी खुराक में कम होता है, और जो लो क्वालिटी का फाइबर है वो आप ज़्यादा दे रहे होते हैं जिसकी वजह से जानवर का जो गोबर है वो इस तरह का आता है। तो ये जो एक मेरे सामने ये गोबर है इसको आप देखें, ये जो है ये गोबर ये स्कोर नंबर 4 में शामिल होता है। इसकी अगर आप ऊंचाई चेक करें तो ये 2 इंच से ज्यादा है और ये है भी सख्त। और लास्ट में हम डिस्कस करते हैं गोबर का स्कोर नंबर 5। ये जो स्कोर नंबर 5 है ये बिल्कुल सख्त गोबर होता है, और खास तौर पे ये उन एनिमल का होता है जो जिनको कॉन्स्टिपेशन हो, जिनको कब्ज हो, तो उनका जो गोबर होता है वो स्कोर नंबर 5 की कैटेगरी में आता है। तो वो भी खुराक में जो है फाइबर ज्यादा होने की वजह से, प्रोटीन और एनर्जी की कमी की वजह से होता है इतना सख्त गोबर जो के 5 की कैटेगरी में आता है।